फिफ्थ चैप्टर का हम लोग अभी सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का सेकंड पार्ट। तो अभी तक हम लोग थर्मल एनर्जी देखे, न्यूक्लियर एनर्जी देखे, थर्मल एनर्जी कोल से चला, न्यूक्लियर एनर्जी यूरेनियम से। अब हम लोग पढ़ते हैं कि नेचुरल गैस से। तो नेचुरल गैस से क्या होता है? कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, इसमें कंप्रेसर रहता है, उसमें गैस भरा रहता है, प्रेशराइज्ड एयर रहता है, फिर वो कंबस्टन उसको जलाया जाता है। इससे क्या होता है, उसमें प्रेशर जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट होता है उसके जलने से। ये फ्लो चार्ट हो गया कि कैसे, अब वो प्रेशर आ गया, गैस में जल रहा है, तो गैस टरबाइन उस प्रेशर से घूमेगा, फिर टरबाइन घुमा मतलब जनरेटर घुमा और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हुआ। इसमें थ्री मेन सेक्शन रहता है कि प्रेशराइज एयर को चलाने के लिए क्या रहता है, कंबस्शन चेम्बर, ये चेम्बर है, उसके बाद वो गैस टरबाइन में गया, फिर जनरेटर घुमा। ये हो गया अरेंजमेंट इन पावर प्लांट कैसे रहता है। अब कौन एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, यहां केमिकल एनर्जी है नेचुरल गैस में, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जलने पर, इसमें पानी को हीट नहीं किया, और काइनेटिक एनर्जी क्या किया, टरबाइन को घुमाया, गैस में काइनेटिक एनर्जी आ गया, ज्यादा मूवमेंट हो गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दो सेक्शन हमेशा रहता है, एक रहता है अरेंजमेंट फ्लो चार्ट कि कैसे सिस्टम रहता है, और यहां कौन एनर्जी किसमें बदला, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इंटू काइनेटिक एनर्जी, नेचुरल गैस में काइनेटिक एनर्जी आ गया, और उस टर्बाइन में काइनेटिक एनर्जी आ गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी जुलाई 1905 में देखो क्या पूछा, सिकेमेटिक, सिमेटिक, सिमेटिक ऑफ पावर, स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, ये ड्राइंग बनाना है, देख के भारी लग रहा है, कुछ नहीं, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाया, यहां ये टर्बाइन घुमाया, ये जनरेटर से, अब ये यहां जनरेटर, यहां एमिशन ऑफ हॉट गैसेस निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा ड्राइंग किए, एरो सब किए। तो मार्च 19 में कितना मार्च के लिए पूछा, 5, और जुलाई 19 में भी दो दो बार पूछा 5 मार्क्स में। क्या पूछा क्वेश्चन देखो, पहला बोला सिमेट्रिक ऑफ पावर प्लांट का ड्रॉ करने, दूसरा पूछा एट विच प्लेस, ये महाराष्ट्र में कहां पर है, तो अंजनवेल में, महाराष्ट्र में, ठीक। उसके बाद तीसरा हुआ तो ड्राइंग के लिए दो मार्क्स होगा, एक मार्क्स किस जगह पर है, एट विच प्लेस महाराष्ट्र में, हाउ इज पॉल्यूशन रिड्यूस्ड, ये कम प्रदूषण करता है, तो व्हाई, उसके लिए क्या आंसर लिख देंगे, सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर, इसमें सल्फर नहीं रहता है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पॉल्यूशन, तो इसमें सल्फर नहीं रहता है, इसके लिए पॉल्यूशन कम होगा। फिर क्या पूछा, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज, अच्छा इसमें यहां ये भी पूछ सकता है, विच इज इको फ्रेंडली, कोल और नेचुरल गैस, तो कौन होगा, नेचुरल गैस होगा, क्योंकि कोल से क्या होगा, कोल से बर्निंग होने से पॉल्यूटेंट होता है, सूट्स निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, नेचुरल गैस से ऐसा नहीं होता है। ये ड्राइंग जुलाई मार्च 1905 में ड्राइंग दे दिया था, मार्च 19 में, और ये 5 मार्क, विच एनर्जी जनरेटेड, कौन एनर्जी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कहा क्या सोर्स है इसका, नेचुरल गैस, स्टेट रिसोर्स, और ये विच इज इको फ्रेंडली, कोल और नेचुरल गैस, वाई, तो दे देंगे नेचुरल गैस, और वाई में क्या बोलेंगे, इट प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन सल्फर, ओके। तो देखो क्वेश्चन सब कैसे पूछता है, ये सिस्टम समझने का, उस हिसाब से पढ़ोगे। अब हम लोग आते हैं एक नया वर्ड
ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये सब एनर्जी में क्या देखे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंट, तो ये तुम लोग पढ़ोगे तो आराम से समझोगे कि वी हैव सीन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, कोल, नेचुरल गैस, कुछ गैस, सर्टेन गैस निकलता है, पॉल्यूटेंट निकलता है, सूट पार्टिकल, राख सब निकलता है, दिस रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन। अभी देखो मार्च 20 में, 1 मार्च में पूछा, इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ फ्यूल, कोई भी फ्यूल अगर कम्प्लीट नहीं जलता है लेड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डैश, तो क्या करता है, कार्बन मोनोक्साइड। ये आप लोग पढ़िए, नाइट्रोजन गैस रहता है फ्यूल में तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, इससे एसिड रेन होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को तकलीफ देता है सूट पार्टिकल से सांस लेने में, एलपीजी और सीएनजी ये आज ना कल खत्म हो जाएगा, 200-300 वर्ष तक चलेगा, कोयले का रिजर्व 200 वर्ष ही है, यानी ये लिमिटेड सोर्स है, आज ना कल इसका खत्म हो जाएगा तभी ये कैसे बनाएंगे। प्रॉब्लम न्यूक्लियर एनर्जी में भी प्रॉब्लम देखा कि उससे न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल नष्ट कैसे किया जाएगा, तो ये सब थोड़ा सा लर्न जैसा कर लेने का, ठीक, कि क्या एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी हरित ऊर्जा क्या है, ऐसा एनर्जी जो कभी समाप्त ना हो, और दूसरा कि जो एनवायरमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं दे, क्रिएट नहीं करे कोई एनवायरमेंट को, ऐसे एनर्जी को क्या बोलेंगे, ग्रीन एनर्जी। तो वो किससे होगा, तो वाटर से अगर एनर्जी करते हैं, विंड से करते हैं, सनलाइट से करते हैं, तो ये सब क्या होगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। परपेचुअल का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो, हमेशा जो रहे अवेलेबल, लगातार मीनिंग दे देता हूं कोई हार्ड वर्ड रहता है तो जो ये सोर्स क्या है, विंड, पानी, ये सनलाइट, ये कभी बायोफ्यूल, ये सब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे सोर्स से जो हम एनर्जी तैयार करेंगे उसे कहेंगे ग्रीन एनर्जी, ठीक। यहां पर कुछ डेफिनेशन है जो मैं तुमको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, क्योंकि बुक में कहीं नहीं रहता ऐसा कट टू कट, तो उसको दे देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा माइकल फैराडे का, इसी प्रिंसिपल पर इलेक्ट्रिसिटी करंट तैयार होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक फोर्स तैयार करता है बाय मूविंग ए कंडक्टर, कंडक्टर को घुमा के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तैयार करता है थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड। न्यूक्लियर फिजन वर्ड पढ़ा, तो क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, फिजन मतलब टूटना, ये न्यूक्लियर विखंडन होना, नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर एनर्जी को ही एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, अभी कंट्री उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि कोल खत्म हो जाएगा, हमेशा बारिश का पानी नहीं रहता है तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाएगा, तो इस पर अभी काम ज्यादा हो रहा है। महाराष्ट्र में कहां देखा न्यूक्लियर एनर्जी का, तारापुर में। ये न्यूक्लियर रिएक्शन इन व्हिच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम में क्या रहता, एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियर ऑफ एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट इंटू ए स्मॉलर पार्ट या लाइटर न्यूक्ली इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी क्या देखा, यूरेनियम, यूरेनियम का जब हुआ तो क्या दो चीज मिला, बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम और क्रिप्टॉन, यही लाइटर में आ गया, लाइटर न्यूक्ली बन गया हैवी से, तो इसी को हैवी का लाइटर में टूटना इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। ग्रीन एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी आर नेवर एंडिंग एंड डू नॉट लेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सच सोर्सेस आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी, या ऐसे भी कह सकते हो ग्रीन एनर्जी मीन्स इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म FORM, जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं दे, विच डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड आर नेवर एंडिंग, और जो कभी समाप्त भी ना हो। इसको क्यों ऐसा कहा जाएगा, दिज सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूस, इसे इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है ग्रीन एनर्जी को,
दीज सोर्स ऑफ एनर्जी डू नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक मतलब जहरीला गैस नहीं देता है, और अदर पॉल्यूटेंट दे आर सेफ। ये गिव रीजन, ये टेक्सुअल क्वेश्चन में दिया। एग्जाम्पल ग्रीन एनर्जी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके ऊपर डाउट भी आ जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, अभी पढ़ोगे। विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, लेकिन ये सब एकदम ट्रूली हुआ, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी और एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है, किसी प्लांट से जो फ्यूल निकाल के, ऑयल निकाल के करता है, उसे कहते हैं बायोफ्यूल। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या यूज करता है, वाटर। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर रिजर्वॉयर। वाटर रिजर्वॉयर किसको कहते हैं, जैसे डैम में रिजर्व करके पानी को रखा है, थोड़ा ऊपर रखता है, ऊंचे स्थल पर, ऊंचे जगह पर रखता है, और वो पानी को नीचे टरबाइन पर गिराता है। और इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये हम लोग बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सब थोड़ा पढ़ने का, पढ़ोगे बहुत इजी लाइन है कि कैसे तैयार करता है, तो दो लाइन लिखोगे। वाटर रिजर्वॉयर्स विद पोटेंशियल एनर्जी, डैम में जो पानी रहता है उसमें क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो काम कर सकता है। दो टाइप का एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक। ये डिफरेंट स्टेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो वाटर रिजर्वॉयर, तो डैम सब कहलाता है वाटर रिजर्वॉयर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, वो वाटर टर्बाइन पर गिराया, जनरेटर घूमने लगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ। इसमें कौन एनर्जी किस में बदला, पानी में कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कन्वर्ट जब पानी नीचे गिराया टर्बाइन पर तो काइनेटिक एनर्जी, टर्बाइन में क्या हो गया, काइनेटिक मूव करने लगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कट टू कट लर्न करने का। ये देखो दिखाया है कि कैसे ए बी सी तीन लेवल है। यहाँ पर ये क्या है, स्लूस गेट, ये पानी को खोलता है, ये पानी इधर आता है, यहाँ देखो टर्बाइन पर घूमता है, टर्बाइन घूमता है तो जनरेटर घूमता है, और यहाँ पर पावर हाउस में इलेक्ट्रिक जमा होता है, स्टोर होते जाता है, और वो सप्लाई करते हैं। सिकेमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, जब भी सिमेटिक बोले, सिमेटिक तो ये ड्राइंग करना पड़ेगा, जब फ्लो चार्ट बोले तो कौन सा ड्रॉ करोगे, ये वाला, किसी का भी ये फ्लो चार्ट हुआ किसी भी एनर्जी का, ये हुआ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे एक एनर्जी दूसरे में बदल रहा है, और ये क्या हुआ, सिमेटिक ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कोई भी का सिमेटिक में मतलब ये ड्रॉइंग। अब यहाँ तीन क्वेश्चन पूछा है विथ रेफरेंस टू पॉइंट बी। पॉइंट बी से अगर पानी को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, वाटर इन द डैम विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ए से पॉइंट बी से अगर पानी को छोड़ेगा, यहाँ का पानी अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। पॉइंट टू में क्या, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनर्जी इफ द, कहां से पॉइंट ए से छोड़ेगा, यहां का पानी ज्यादा स्पीड से आएगा, ज्यादा स्पीड से पानी आएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, मोर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। और पॉइंट सी से ये लो लेवल है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी या तो लेस प्रोड्यूस होगा या ना के बराबर होगा। ठीक, अब देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, देखो मार्च 19 में 2 मार्क्स में पूछा, सिंस नो फ्यूल इज बर्न, इसमें कोई फ्यूल तो नहीं जलाया गया, इसलिए क्या होगा, देयर इज नो पॉल्यूशन। दूसरा, देयर इज सफिशियंट वाटर स्टोरेज इन द डैम, डैम में पानी जमा कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वेन नेसेसरी, जब भी हमको जरूरत होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का, डैम का पानी खोल देंगे और मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तो ये फायदा हुआ, अपनी जरूरत के हिसाब से उसको चालू कर सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं होगा। वाटर रिजर्वियर इज यूज फॉर पावर जनरेशन, इट कैन बी रिप्लेनिश ड्यूरिंग रेनी सीजन, लीडिंग टू अनइंटरप्टेड रेनी सीजन में इसमें क्या करते हैं, पानी को जमा कर लेते हैं, तो रेनी सीजन में पानी जमा कर लिए और अपना सालों भर इसको पा सकते हैं लाइट को, ये एडवांटेज। डिसएडवांटेज देखो क्या है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये पानी को जमा करने के लिए बहुत बड़ा एरिया को
यूज करता है, डैम बना देता है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे गांव को वहां से हटाना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है। दूसरा, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर वाटर मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। अब नदी में जो पानी है, नदी में पानी है और पानी में लिविंग थिंग्स है, तो उसको एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उसका एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा, तो उसको दिक्कत आएगा। तो ये हो गया क्या कि प्रॉब्लम, और ये हो गया डिसएडवांटेज। एक चीज कहा जाता है कि ये इको फ्रेंडली है या नहीं है, तो ये कारण लिख सकते हैं ये इको फ्रेंडली क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एरिया को कवर कर लेता है। दूसरा, उसमें लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम आता है, तो ये क्वेश्चन से क्या हो जाता है कि हम इसे इको फ्रेंडली में ले भी नहीं भी लिया जा सकता है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम आता है। कंसीडरिंग द इशू लाइक फोर्स्ड माइग्रेशन ऑफ लार्ज कम्युनिटी, आदमी को वहां से हटाना पड़ता है, सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड डूब जाता है, एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग क्रिएचर इन द रिवर, इट हैज ऑल्सो बीन ए प्वाइंट ऑफ डिबेट, बहस, डिबेट मतलब ये बहस का मुद्दा है, वेदर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और नॉट। ओके, ये अगर कभी पूछ दिया कि इसे क्यों नहीं कहा जाता, तो ये सारे पॉइंट को कवर करेंगे। महाराष्ट्र में कहां पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर स्टेशन या जनरेशन का, तो कोयना, देखो ये कोयना डैम है, वही पानी छोड़ता है और उसे वो, तो कोयना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा लर्न रखना, ये सब क्वेश्चन बाद में देता हूं। अब आया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जो पानी से विद्युत को तैयार करते हैं वो भी जाता है किसमें, ग्रीन एनर्जी में, लेकिन वो थोड़ा डाउटफुल में चला जाता है। अब दूसरा, विंड एनर्जी में, तो विंड एनर्जी में क्या होता है, ये ब्लेड है, ये घूमता है, या गियर बॉक्स है, ये सिमेट्रिक हो गया, तो विंड में क्या है, एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो टर्बाइन को घुमाता है, जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये हुआ कन्वर्शन, ये उसका सिमेट्रिक ड्राइंग, ये ब्लेड में हवा होता है तो ये घूमता है। विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट, ये ज्यादा एनर्जी नहीं तैयार करता है, 1 किलोवाट से 7000 किलोवाट तक ही, तो इसको हर जगह कंपनी फैक्ट्री सबके लिए नहीं यूज कर सकते, कॉमर्शियली लेस देन, तो कॉमर्शियली अवेलेबल जो होता है वो इससे कम है। डिपेंडिंग ऑन द विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट और टू अबाउट 7 मेगावाट, यानी इतना ही इसका कैपेसिटी है, आर कॉमर्शियली अवेलेबल, डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल, हमेशा हवा अवेलेबल नहीं रहेगा जहां हम इंस्टॉल ये मशीन लगा रहे हैं। विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड, जहां जितनी हवा रहता है उस कैपेसिटी का, विंड वेलोसिटी एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड ऑन मेनी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ये देखो ये लगाया गया है, ये कौन सा है, विंड टर्बाइन है, पूछा ये फिगर में ये क्या है, तो विंड टर्बाइन। ओके, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलग अलग ऊंचाई पर लगाता है ताकि हवा अलग अलग मिले। अब हम लोग आते हैं सोलार एनर्जी में, सोलार एनर्जी में ये सेल का नाम है, सोलार फोटोवोल्टेइक सेल, इसमें क्या यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं। इन ऑल द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव द इलेक्ट्रिक जनरेट ड्राइवन आउट यूजिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक जितना पढ़े वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर था, लेकिन ये सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ नहीं है। विंड एनर्जी में भी क्या हुआ, जनरेटर था, तो इसमें कोई जनरेटर नहीं रहता है, ठीक, ये पॉइंट समझ लेना। तो क्या यूज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम सोलार रेडिएशन विदाउट यूजिंग जनरेटर एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, ये बात ध्यान देना, यहाँ पर वो माइकल फैराडे का वो प्रिंसिपल यूज नहीं हुआ है। दिस हैपन इन सोलार फोटोवोल्टेइक सेल, क्या बोलते हैं, सोलार फोटोवोल्टेइक सेल, सोलार फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट द सोलार एनर्जी डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल, वो डायरेक्ट सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। द एनर्जी इन सोलार रेडिएशन इज कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, पहले वो थर्मल में होता है सोलार एनर्जी,
ई सेकेंड मेथड, देन ए टर्बाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्राइविंग थ्रू द थर्मल इनटू, लेकिन हम लोग ये सोलर फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे क्या करता है। सोलर फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। सोलर फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, कैन जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। ये डीसी है, दो तरह का करंट होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग को जो घर में करंट आता है वायर में वो अल्टरनेटिंग है, लेकिन बैटरी सब में जो रहता है वो डायरेक्ट करंट होता है। दिस सोलर सेल आर मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मेटेरियल कॉल्ड, ये याद रखो कि सिलिकॉन से ये बना होता है, सेमीकंडक्टर आता है सिलिकॉन, पढ़े होने एलिमेंट SI, सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन, उसका एरिया क्या रहता है 1 square centimeter, यानी लेंथ ब्रेथ दोनों 1 square centimeter उसका वो चिप्स का रहता है डायमेंशन। दस ए सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन, अच्छा सॉरी, ए सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 square centimeter जनरेट करंट, देखो करंट कितना है 30 milliampere, एक सेल से कितना मिलता है 30 milliampere, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है 0.5 volt, एक सेल का कितना करंट देता है 30 milliampere और कितना उसमें पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 0.5 volt। सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 100 square centimeter, अगर 10 ऐसा लगा 100 square centimeter विल जनरेट, तो अब 100 square centimeter का कितना देगा 3 ampere, क्योंकि 30 into 100 3000, तो 3 ampere हो गया, 30 into 100 तो 3000 milliampere, उसको बोलेंगे 3 ampere, और उसमें पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा 0.5। एनर्जी इन सनलाइट फोटोवोल्टेइक सेल यूज हुआ, डायरेक्ट किस में गया इलेक्ट्रिक पावर में। अब इसमें कुछ मैथ्स जैसा रहेगा कि अगर समझो इस तरह से कोई लगा हुआ है कोई सीरीज में और किसी कोई पैर, यहां एक चीज सीखो कि अगर ये सेल है फोटोवोल्टेइक सेल, सोलार में क्या यूज करते हैं सोलार एनर्जी में फोटोवोल्टेइक सेल, तो अगर ये सीरीज में है, ये सीरीज वन नाइन्थ में पढ़े हो सीरीज में, और ये ऐसे रखा है तो क्या हो गया पैरेलल में, तो अगर सेल को सीरीज में रखे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड कर दो 0.5 + 0.5, तो कितना हो गया 1 volt, 1.01 volt, और करंट सेम जाएगा, करंट में नो चेंज, तो ऐसा दे देगा और बोलेगा करंट कितना जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर पैरेलल में है तो करंट बढ़ जाएगा, तो करंट को ऐड कर दो, जैसे 3 ampere + 3 ampere 6 ampere, सेम रहेगा। सीरीज में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दो और करंट सेम, सीरीज पैरेलल में क्या करो समांतर में पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या रहेगा सेम रहेगा लेकिन करंट ऐड हो जाएगा। ठीक, इसमें यहां क्या बताया है कि ये जो है एक एक है 100 square centimeter का, तो 0.5 volt होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट कितना होता है, करंट होता है एक एक में 1 ampere 3 ampere का। तो अब अगर ये सब सीरीज में है, देखो एक लाइन से शुरू हुआ है सब सीरीज में है, तो कितना इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा 18 volt, क्यों 0.5 0.5, टोटल ये 36 है, तो 36 बार ऐड करो या 36 into 0.5, तो कितना हो जाएगा 18 volt, और करंट सीरीज में क्या रहता है सेम रहता है, इसलिए करंट क्या होगा 3 ampere ही। घर में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा रहता है, ज्यादातर एसी वाला रहता है, मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल आर एसी पावर। ऐसे में क्या होता है कि डीसी सोलर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसी पावर, अब उसको अल्टरनेटिंग करंट में घर में उसी सामान को कैसे जलाएंगे, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है इन्वर्टर। ये क्या है सिमेटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक स्टेशन, कहीं देखोगे जाओगे तो ये आजकल बहुत जगह पर लगा दिया गया है, पावर ग्रिड इन्वर्टर ट्रांसफार्मर। डिफरेंट स्टेज इन सोलर पावर में कॉन्ट्रैक्टर्स
कंसंट्रेशन फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, अब इस पर क्या आएगा, सनलाइट आएगा। एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कंसंट्रेटेड सनलाइट, ये हुआ अगर हम इसको थर्मल के, यहां पर क्या यूज हुआ, फोटोवोल्टेइक सेल, अगर हम उससे पानी गर्म कर रहे हैं तब फिर ये चला जाएगा थर्मल में। स्टीम तो सोलार थर्मल पावर प्लांट भी होता है और सोलार फोटोवोल्टेइक, सोलार फोटोवोल्टेइक सेल। तो ये हो गया किससे पानी को गर्म नहीं किए, इसमें सेल यूज किया, इसमें क्या होगा कि पानी को गर्म करेंगे, पानी को, वाटर को हीट करेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है कोल से, यानी थर्मल पावर कितना मिलता है वर्ल्ड को, 41%। इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग कोल से इलेक्ट्रिक करंट मिलता है हम लोग को, कोल से यानी थर्मल किसमें जाता है वो, थर्मल पावर। तो इंडिया को 60% इससे ही, न्यूक्लियर पर अभी ज्यादा काम हो रहा है तो 2% अभी है, लेकिन अब इस पर ये धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। रिन्यूएबल सोर्स में इंडिया कितना है, विंड सोलार 15.7, नेचुरल गैस से भी 8, वर्ल्ड में सबसे 41 कोल से होता है तो इंडिया में 60। तो एक पॉइंट यहां याद रखना कि ज्यादा थर्मल पावर से 60% इंडिया को लाइट मिलता है। ओके, अब क्वेश्चन आंसर का अलग आप लोग को एक साथ दे देंगे, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है, कहां क्या भरे है देख लीजिए, यहां पर ये भरना है जो क्रॉस गेम खेलते हो। बाकी क्वेश्चन आंसर ये सब मार्च 20 में पूछा था, जुलाई में पूछा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल क्यों कहते हैं। ड्रॉ देखो सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सोलार थर्मल, थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी का, सोलार थर्मल एनर्जी का क्या था सिमेट्रिक, ये देखिए ऐसा है। तो ड्रॉ पूछा है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पर सनलाइट आ रहा है और वो लाइट से पानी गर्म हुआ, नहीं ये पानी है, पानी गर्म हो रहा है, फ्लो कर रहा है और स्टीम बन के जा रहा है, इससे जनरेटर को घुमाएगा। ये सोलार पैनल है, यही सोलार पैनल को बड़ा करके दिखाया, स्टीम बना पानी गर्म हो करके, स्टीम बना, स्टीम से वो जनरेटर घुमा, जनरेटर से उस पानी को फिर कूलिंग टावर देखा था कि वो ठंडा करके उसी पानी को फिर यहाँ डाल दिया, वो फिर स्टीम बना। ये डायग्राम ऐसा नहीं कि डायग्राम पूछता, देखने से डायग्राम हार्ड लगेगा लेकिन जब एक बार बनाओगे, दूसरी बार बनाओगे तो तीसरी बार बन जाएगा, ये सियोर है, ठीक है। अच्छा एक ये क्वेश्चन देखो, कोल किस में जाएगा, कोल में कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल, काइनेटिक, न्यूक्लियर, थर्मल। तो कोल को कहाँ यूज करते हैं, थर्मल एनर्जी में, ये कहाँ यूज होगा, थर्मल प्लांट में, जहां सेंटर को कहते हैं तो थर्मल प्लांट में। यूरेनियम इसमें क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, विंड में जाएगा, नहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, थर्मल प्लांट में नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो मैचिंग इजी है उधर अगर अच्छे से पढ़े हो तो। ओके, विंड में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, विंड इलेक्ट्रिसिटी, मैचिंग कर लेंगे। विच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, कोल। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, देखो प्रॉब्लम पढ़े थे कि क्या क्या प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो वो प्रॉब्लम को लिख देना है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर का बाद में तुम लोग को ग्रुप में सेंड करता हूँ। ऑल दी बेस्ट, पढ़िए ढंग से, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्त में शेयर करो। जब तक हम लोग इस में पढ़ रहे हैं, अभी का जो लॉकडाउन पीरियड है, स्कूल सब भी नहीं खुला हुआ है, तो ध्यान दो अपने पढ़ाई पर। एक चीज समझ लो कि आदमी परेशान किस वजह से होता है ज्यादातर, पैसे की कमी से। पैसे की कमी होने से रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, इसलिए जब तुम पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारा प्रेशर जो है, तनाव जो है, अपने पढ़ाई लिखाई से पैसा कमाओगे तो तनाव कम होगा। स्ट्रेस घर में क्यों रहता है जब पैसे का दिक्कत होता है, और पैसे के दिक्कत को दूर कैसे करेंगे, जब हम अच्छे से मेहनत करके पढ़ लिख के बनेंगे। तनाव का और दूसरा कारण क्या होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, ना तुम दूसरे से कंपैरिजन मत करो, ना कमजोर से ना तेज से, तुम खुद अपना एक्टिविटी को आगे बढ़ाओ। तो पढ़ने पर ध्यान दो, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं ज्यादातर वीडियो बड़ा बड़ा नहीं देता हूँ, तीन तीन घंटे का ऑनलाइन, दो घंटे का ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ, आधा घंटा मैक्सिमम हो गया। इतना देर तक वीडियो को देख करके, इस आधा घंटा को वीडियो को पॉज करके पढ़ने में समझने में एक घंटा लगेगा,
एक घंटा टाइम देने का। ठीक है बच्चे, प्यार से रहो, खुश होकर के पढ़ो। खुश होकर के पढ़ोगे एनर्जी फील होगा, दुखी मन से पढ़ोगे एनर्जी नहीं रहेगा। लास्ट तक वीडियो देखने का, पेशेंस रखने का, वही पेशेंस तुमको आगे बढ़ाएगा लाइफ में। ठीक है, भरोसा करे मैं करूं मैं अपने बच्चे पर। पढ़ो, मोबाइल यूज करते हो तो पढ़ने के लिए यूज करो, ना कि वीडियो गेम, पबजी, वो सब। अभी पढ़ते समय वो सब दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक लगे कि सर के बात को आप लोग मान रहे हैं, मुझे भरोसा है। पढ़ो, कुछ बच्चे कितने अच्छे से बताते हो। ऑल द बेस्ट।